गुड आफ्टरनून एवरीवन, माई सेल्फ डायटिशियन शिल्पा, वर्किंग एज अ सीनियर क्लिनिकल डायटिशियन इन हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़। सो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दीज फाइव फूड्स टू बी अवॉइड इफ यू हैव गॉल स्टोन। द फर्स्ट वन इज रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोसेस फूड, लाइक आपका मैदा स्टफ हो गया, इंडियन स्नैक्स हो गए लाइक भुजिया, पापड़, मठिया, नूडल्स, आपका इवन बर्गर, डोनट्स, आपकी पाइज हो गई, ये सारी चीज़ें आपकी रिफाइंड एंड प्रोसेस फूड में आती हैं, राइट। सेकेंड वन इज सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट्स आपके एनिमल बेस्ड फैट्स होते हैं जिसमें हाई कंटेंट ऑफ फैटी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और आपके जो स्टोन है, पित्त में जो पथरी होती है, उसके साइज को इंक्रीज करता है। इसके जो सोर्सेज होते हैं, जितने भी आपके एनिमल फैट्स होते हैं लाइक आपका घी, बटर, मक्खन, मलाई, क्रीम, वनस्पति, मीट हो गया, रेड मीट हो गया, ब्रेस्ट चिकन हो गया, आपके सॉसेस की ग्रेवीज होगी, इवन आपके जितने भी लाइक बटर, पीनट बटर एंड ऑल, ये सारे आपके फैट्स के रिच हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करेंगे। सो थर्ड वन इज ऑक्सलेट रिच फूड। ऑक्सलेट रिच फूड आपके बेसिकली क्या होता है कि जो आपका कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में हेल्प करती है और पित्त में जो पथरी होती है उसके साइज को इंक्रीज करती है। आपने जो ऑक्सलेट रिच फूड होते हैं लाइक आपका कोको बटर है, कॉफ़ी हो गया, स्ट्रॉन्ग टी होगी, इवन डार्क चॉकलेट्स होगी, आपके सॉसेज हो गए, मीट ग्रेवीज होगी एंड पीनट बटर हो गया, ये सारी चीज़ें अवॉइड करना है। द फोर्थ वन इज आपका टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट और सोडियम रिच फूड आपने अवॉइड करने हैं। उसके एग्जाम्पल हैं बेकरी रिच जितने भी फूड्स होते हैं या चटनी, पापड़, अचार, कुरकुरे, चिप्स, जिप्स में आपका टेबल सॉल्ट यूज़ होता है। इवन अपना साइड से भी, चाहे वो पिंक सॉल्ट हो, रॉक सॉल्ट हो और आपका वाइट सॉल्ट हो, वो टेबल सॉल्ट नहीं यूज़ करना कुकिंग में, राइट। एंड द फिफ्थ वन इज आपके मसाला। जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला मसालाज होता है उसमें बहुत आपकी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स हर्ब्स होती हैं जो बेसिकली आपके जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं उसको इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से पित्त में जो पथरी है उसकी साइज को इंक्रीज करता है। सो लाइक आपका गरम मसाला, चाट मसाला, राजमा मसाला, पनीर मसाला, जैसे डिफरेंट आपके टाइप्स ऑफ मसालेज आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, आपने जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाले मसाले हैं वो टोटली अवॉइड करने हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग टू योर डाइट और आपको डाइट प्लान चाहिए, आपका गॉल स्टोन, ड्यूरिंग गॉल स्टोन और आफ्टर ऑपरेट गॉल स्टोन का, तो आप हीलिंग हॉस्पिटल में मेरे साथ आप मिल सकते हैं, डाइट प्लान डिस्कस कर सकते हैं। हम कस्टमाइज डाइट प्लान आपके अकॉर्डिंग जो किचन में आपके अवेलेबल है, इजी आपके लिए रहेगा, वही हम प्लान करते हैं। सो ईट हेल्दी, बी हेल्दी।